ये सारी चीजें इनक्लोजर में होने के कारण डस्ट बिल्कुल बाहर भी नहीं आती और आवाज भी बिल्कुल कम। पक्षी मित्र हीरो में टीलर 200 आरपीएम से घूमता है और उससे काफी अच्छी रेकिंग होती है। डेमो करते समय काफी फार्मर ने हमें सुझाव दिया, इसको रोटावेटर जैसा ज्यादा स्पीड वाला बनाइए ताकि रेकिंग काफी अच्छी तरीके से हो। हम भी जानते हैं कि ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा अच्छा रेकिंग। हमारे छठे मॉडल में हमारा टीलर का स्पीड 500 आरपीएम था, लेकिन पोल्ट्री एक्सपर्ट ने हमें सुझाव दिया था आपकी मशीन कैसे भी हो लेकिन उससे डस्ट और आवाज जितना कम हो उतनी बेहतर। मशीन का डेवलपमेंट करते समय जब हमने 500 आरपीएम का गियरबॉक्स यूज किया तब देखा कि इतनी डस्ट आ रही थी कि पूछो मत, आवाज अलग से। और पोल्ट्री फार्म में डस्ट होने की वजह से सीआरडी जैसे बीमारियों को न्योता हो गया, यानी पूरा बैच फेल। इसका मतलब बीमारी से कम लेकिन इलाज से ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसके बाद में हमने टीलर का स्पीड काफी कम कर दिया लेकिन उससे रेकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं था। पक्षी मित्र हीरो में हमने स्पेशली डिजाइन किया गया हुआ टीलर लगाया है जिस वजह से रेकिंग तो काफी अच्छी हो रही और उससे डस्ट भी नहीं होती। ये सारी चीजें एनक्लोजर में होने के कारण डस्ट बिल्कुल बाहर भी नहीं आती और आवाज भी बिल्कुल कम। इसलिए सही सोचे, समझदारी से फायदे वाली चीज में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि नुकसान वाली। पक्षी मित्र आपका सच्चा दोस्त।